हाय फ्रेंड्स, आज से हमने सोची क्यों ना आपको एक सेफ़्टी की नई सीरीज दी जाए, सेफ़्टी की शुरू से क्लासेस दी जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास सर्टिफिकेट होता है मगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। और आज के दौर में सर्टिफिकेट की जितनी वैल्यू नहीं, उससे ज़्यादा उसकी नॉलेज की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे सबके सबको काम चाहिए। और सबको काम चाहिए तो कंपनी वाले आपकी सर्टिफिकेट नहीं देखेगी कि आपको 99% मिले, आपकी नॉलेज चेक करेगी। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम डिस्टेंस से करते हैं क्लास या हमें प्रॉपर क्लास नहीं मिल पाता है क्लासेस में, तो हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। इसीलिए हमने आज से ये सीरीज शुरू की है, तो आप हमारे साथ जुड़े और ये ऑफलाइन क्लासेस के फ़ायदे उठाएं, जहाँ पे हम डेली आपको दो वीडियो देंगे, सुबह और शाम में डेली दो वीडियो देंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा है क्लास नंबर 1, उसमें हम देखने वाले हैं सेफ्टी, सेफ्टी के इम्पोर्टेंस, सेफ्टी का पर्पस क्या है। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं, सेफ्टी। तो सेफ्टी आखिर है क्या, तो चलिए देखते हैं। फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर, हार्म, इंजुरी, एक्सीडेंट, डैमेज, प्रॉपर्टी और हेल्थ लॉस। यानी सेफ्टी क्या है, सुरक्षा किसी भी तरह की डेंजर से, हार्म से, इंजुरी से, एक्सीडेंट से, डैमेज से, प्रॉपर्टी और हेल्थ लॉस। जहाँ पे हमें किसी भी तरह का हेल्थ लॉस का खतरा नहीं रहता, हम एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहता, इंजुरी का खतरा नहीं रहता, प्रॉपर्टी लॉस का खतरा नहीं रहता है, हार्म का किसी भी तरह का खतरा नहीं रहता है। और सेफ्टी मीन्स कीपिंग योरसेल्फ एंड अदर फ्री फ्रॉम डेंजर और हार्म। सेफ्टी का मतलब दोस्तों ये भी होता है कि आप अपने और दूसरे को सुरक्षित रखें। जैसे आपको याद होगा, जब भी आप बचपन में घर से बाहर निकलते थे तो आपके बड़े बुजुर्ग आपको हमेशा ये कहा करते थे कि दाएं बाएं देख के रोड क्रॉस करना। ये आपके लिए एक सेफ्टी थी जो आपके बड़ों के द्वारा आपको दी जाती थी कि आप क्या करें, दाएं बाएं देख के रोड क्रॉस करें, जिससे आपकी सेफ्टी होगी, आपकी सुरक्षा होगी। ये भी एक तरह की सेफ्टी है। तो चलिए, जो अब हम देखने वाले हैं वह है पर्पस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। सब चीज़ की पर्पस होती है, तो उसी तरह भी हेल्थ एंड सेफ्टी का पर्पस है। तो पर्पस क्या है, फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। ये क्या है, ये कल्याण के लिए, वर्कर्स के भलाई के लिए अच्छा है, उनके फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलफेयर के लिए अच्छा है। और अगला जो है, टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वर्कर्स वर्क ऑन वर्कर्स। क्या होता है कि काम से है, जो हम काम करते हैं उसका बहुत सारे इफेक्ट होता है, जो वर्कर्स पे पड़ता है उसको कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ एंड सेफ्टी। टू प्रोवाइड वर्कर्स ए बेटर वर्क प्लेस, वर्कर को एक बेटर वर्क प्लेस प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे उसे किसी भी तरह खतरा ना हो, उसकी जान, आपके प्रॉपर्टी डैमेज या किसी भी तरह खतरा ना हो। इसीलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगला जो है, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन वर्क प्लेस। आखिर ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों, तो देखते हैं। वर्कर्स नीड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, वर्कर्स को सेफ्टी ज़रूरी है वर्क प्लेस में। आखिर क्यों, तो ये दे स्पेंड 8 to 10 hours ए डे एट ए वर्क साइट। वो क्या करते हैं, अपना जो 8 से 10 घंटा है वो वर्क प्लेस में, आपके वर्क साइट में गुजारते हैं, तो उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है दोस्तों। ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्सेप्ट, वर्कर्स गेट वेरियस डिजीज लाइक डस्ट, ड्यू टू डस्ट, गैस, नॉइज। क्या होता है, अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इग्नोर करते हैं तो वर्कर्स को दोस्तों बहुत तरह के खतरे हो सकते हैं। उसे अच्छे से सांस नहीं ले सकता है, उसे अच्छे से दिखाई नहीं देगा, उसे काम करने में बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, उसे बॉडी पेन होगा, वो उसे कुछ भी हो सकता है उसके बॉडी के साथ, अगर हम उसे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगला जो है दोस्तों, इट इम्प्रूव्स द हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट, एब्सेंटीज़, सिक लीव एक्सेट्रा। क्या होता है दोस्तों, अगर हम अच्छे से हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करते हैं तो हमारे जो वर्कर हैं वो बीमार नहीं होंगे, तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा, वो लीव नहीं लेंगे, लीव नहीं लेंगे तो ये हमारी कंपनी के लिए फ़ायदा है, और हमारा क्या होगा, कंपनसेशन बचेगा, हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट बचेगा। अगला जो है दोस्तों, इट इज़ गुड फॉर द ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। ये क्या होता है, एम्प्लॉयर के रेपुटेशन के लिए अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। कैसे दोस्तों, अगर जैसे मानते हैं किसी कंपनी ने किसी एम्प्लॉयर को काम दिया है कि आपको इस काम को ख़त्म करके इतने समय में देना है, तो अगर वर्क उस एम्प्लॉयर के कंपनी में अगर काम करने वाले वर्कर बीमार नहीं पड़ते हैं, लीव्स नहीं लेते हैं, तो वर्कर टाइम पे काम ख़त्म करके देगा, तो वो कंपनी अगली बार उसे फिर मौका देती है। तो आज दोस्तों हमने समझा सेफ्टी की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट हमें क्या क्या मिलते हैं, और ये वर्क प्लेस में क्यों ज़रूरी है, और वर्कर्स को इसके फ़ायदा क्या, एम्प्लॉयर को इसके फ़ायदा क्या है। तो अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है दोस्तों, वो है एक्सीडेंट के ऊपर, एक्सीडेंट टाइप्स के ऊपर हम बनाने वाले हैं। तो आप इस ऑफलाइन क्लासेस का पूरा फ़ायदा उठाएं, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।